कल से शुरू होने जा रही अमरनाथ यात्रा के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच में श्रद्धालु का पहला जत्था जम्मू से रवाना हो गया है और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जत्थे को रवाना किया। श्रद्धालु सुबह 11 बजे से 12 बजे के करीब कश्मीर में दाखिल होंगे और यहां के बालटाल कैंप में 10,000 टेंटों से लेकर हेलीकॉप्टर सेवा, मेडिकल सुविधा और साथ ही लंगर, जरूरत की हर चीज का इंतजाम किया गया। सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी और सेना अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा में तैनात है और 19 अगस्त तक जब तक यात्रा खत्म नहीं हो जाती तब तक ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे भी यात्रा के पूरे रूट पर नजर गड़ाए रखेंगे। जम्मू कश्मीर में हाल ही में आतंकी घटनाओं के बाद पूरे जम्मू कश्मीर में भारी सुरक्षा बल तैनात हैं। अब 29 जून से अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु हिस्सा लेते हैं। अब इस यात्रा में किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो इसके लिए सुरक्षा बल पहले से तैयार हैं। अमरनाथ यात्रा को लेकर एसओजी के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने मॉक ड्रिल भी की ताकि आतंकियों के नापाक मंसूबों पर पानी फेरा जा सके। अमरनाथ यात्रा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही हाई लेवल मीटिंग कर चुके हैं जिसमें अमरनाथ की तीर्थ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था और हाल के आतंकवादी हमलों को देखते हुए जम्मू इलाके में मौजूदा सुरक्षा के हालात की समीक्षा की गई। इस बैठक के बाद घाटी में सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा दुरुस्त करा दी गई है ताकि आतंकी अपने मंसूबे पूरे करने में कामयाब ना हो सके। अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू होने वाली है जिसका समापन 19 अगस्त रक्षाबंधन के दिन होगा। भोलेनाथ के दर्शनों के लिए यात्री खूब उत्साहित होते हैं और इस बार भी बाबा बर्फानी का नाम जपते हुए श्रद्धालु दर्शनों के लिए पहुंचेंगे। अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रीनगर बेस कैंप में यात्रियों के लिए खास तैयारियां की जा रही हैं। बेस कैंप में करीब 5,000 श्रद्धालुओं के लिए ठहरने, खाने पीने के साथ साथ बिजली की भी व्यवस्था की जा रही है। कब भोले के वक्त सभी यहां श्रद्धालु आए और हम उनकी सेवा करें और यह भंडारे की तैयारी में लगे हुए हैं। दिन रात हम लगे हुए हैं और यहाँ के प्रशासन से भी हमें काफी सहयोग मिल रहा है। भंडारे की तैयारियाँ जोर शोर से चल रही हैं। सभी भंडारे वाले टीम शेड की तैयारियाँ कर रहे हैं। 29 जून का हम इंतजार कर रहे हैं। जोर जोर से तैयारियाँ चल रही हैं। हम यात्रियों का इंतजार कर रहे हैं, उनकी सेवा में लगे पड़े हैं। भूखे प्यासे यहाँ पे तैयारियाँ करवा रहे हैं घर से बहुत दूर आके। श्रीनगर के डिप्टी कमिश्नर बिलाल एम भट्ट बेस कैंप में चल रही तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे। करीब 2 महीनों तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा को लेकर बेस कैंप के चारों तरफ सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसकी तैयारियों में श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में भी हम लोगों ने बहुत कही टाइम से हम लोग जो ट्रांजिट कैंप है यहाँ पर हमारा पंथा चौक में, और इस बार इसकी पूरी तैयारियां कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू द इसकी कैपेसिटी जो है। ऑलमोस्ट 5,000 श्रद्धालुओं के लिए हमने यहां पर अरेंजमेंट रखा है, उनका कंफर्ट स्टे, उनका पुनः व्यवस्था जो पानी का रहता है, बिजली का रहता है और यहां पर लंगर का रहता है। तो पूरी हमारी तरफ से पूरी तैयारियां हो चुकी है, हमारी पूरी टीम यहां पर है। यहां पर हम लोगों ने कैंप ऑफिसर्स को भी अपॉइंट किया हुआ है और हर तरफ से हमारी पूरी इस ट्रांजिट कैंप को फंक्शनल करने के लिए और यात्रियों का स्टे कंफर्टेबल करने के लिए पूरी एडमिनिस्ट्रेशन लगी हुई है। अमरनाथ धाम भगवान शिव के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। अमरनाथ में महादेव के दुर्लभ और प्राकृतिक शिवलिंग के दर्शन होते हैं। अमरनाथ की पवित्र गुफा में भोले भंडारी बर्फ के शिवलिंग के रूप में कब से विराज रहे हैं और भक्त उनके दर्शनों के लिए कब से वहां पहुंच रहे हैं इसका कोई लिखित इतिहास नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि किसी वजह से ये गुफा स्मृतियों से लुप्त हो गई थी और करीब 150 साल पहले इसे फिर से खोजा गया। अमरनाथ यात्रा का हर पड़ाव तीर्थ के महत्व की कहानी खुद बयां करता है। हर साल प्राकृतिक तौर पर बनने वाले शिवलिंग के दर्शन के लिए देश भर से हजारों श्रद्धालु कश्मीर पहुंचते हैं। पवित्र अमरनाथ की गुफा तक पहुंचने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता पहलगाम की तरफ से जाता है और दूसरा सोनमर्ग होते हुए बालटाल की ओर से जाता है।
श्रद्धालुओं के लिए श्राइन बोर्ड की ओर से कई तरह की तैयारियां की जाती हैं। श्रद्धालुओं की सेवा करने वाले सेवादार भी जगह जगह लंगर का आयोजन करते हैं। बर्फ हटाने से लेकर अलग अलग पड़ाव पर श्रद्धालुओं के लिए रहने का इंतजाम किया जाता है, फिर भी चुनौतियां खत्म नहीं होती हैं। जो हमारा आप इसे देख रहे हैं यात्री निवास है, वो भी फंक्शनल, उसमें दो फ्लोर्स फंक्शनल होंगे, वहाँ पर भी श्रद्धालु रहेंगे और हमारी पूरी टीम जो है, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जो इसी में लगी हुई है, किधर हम लोग जो अमरनाथ यात्रा है उसको सक्सेसफुल बनाए, जो है पूरे इंतजाम किए गए SSP श्रीनगर और पूरी इंतजाम उसमें लगी हुई है एंड उसकी भी अरेंजमेंट बिल्कुल एट पार। अमरनाथ यात्रा से पहले रियासी में श्री माता वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं की बस पर आतंकियों ने हमला किया था। उसके बाद हीरानगर में आतंकियों से मुठभेड़ हुई, फिर आतंकियों ने ही डोडा के अंदर दोबारा हमला किया। हालांकि सुरक्षा एजेंसी के पास ऐसे इनपुट्स मिल रहे हैं कि इस बार आतंकी यात्रा में खलल डाल सकते हैं। चार हमले होने के बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक कर कहा था कि यात्रा में किसी प्रकार की कोताही नहीं होनी चाहिए और यात्रा को सफलतापूर्वक संपन्न करने का जिम्मा सुरक्षा बलों को दिया है। यही वजह है कि सुरक्षा में किसी प्रकार की ढील नहीं बरती जा रही है। न्यूज 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सेंगोल के राजनीतिक इतिहास भूगोल से हटकर सियासत बंटवारे की होने लगी है। अब सवाल संसद में सेंगोल हटाने का हो रहा है और जवाब बीजेपी की तरफ से दिया जा रहा है। दरअसल राष्ट्रपति के अभिभाषण में बात मुद्दों की हो रही थी, लेकिन अचानक से समाजवादी पार्टी ने सेंगोल पर सवाल खड़े कर दिए। वहीं जब इसी मामले को आगे बढ़ाते हुए अखिलेश यादव ने कहा प्रधानमंत्री मोदी सदन में सेंगोल को प्रणाम करना भूल गए, तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने सेंगोल को सर्वोच्च सम्मान दिया, यानी कि जिस विवाद को जन्म समाजवादी पार्टी ने दिया उस पर बीजेपी के तमाम नेता हमलावर है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। लोकतंत्र के मंदिर में सिंगोर रखा जाए ठीक बात नहीं है। उन्हें ये लगा होगा कि प्रधानमंत्री जी जब शपथ लेने गए थे तो प्रणाम नहीं किया था, हो सकता है इसी वजह से उनकी भावना इस तरह की आई हो कि हटे। एक साथ आगे बढ़ने का प्रयास करें, ना कि इस तरीके के विवादित बयान देकर बंटवारे की राजनीति। नई संसद में नई सरकार और छिड़ चुका है सेंगोल पर तकरार, क्योंकि 37 सांसदों वाली पार्टी के सांसद सेंगोल पर सवाल खड़े कर रहे हैं। 37 सांसदों वाली पार्टी के अध्यक्ष नई संसद की खामियां गिना रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं संसद में राजदंड का क्या काम है। तो अगर रखना ही है तो सिंगोल हटा के संसद भवन से वहाँ संविधान की एक मोटी प्रति रख देना चाहिए। समाजवादी पार्टी के सांसद आरके चौधरी का ये बयान, जिसमें उन्होंने सेंगोल को संसद से हटाने की मांग कर डाली, उन्होंने आपत्ति जताई आखिर सेंगोल संसद में क्या कर रहा है। उस जमाने में सिंगोल रहा होगा न्याय का सिंबल, लेकिन आज तो लोकतंत्र है जी, और लोकतंत्र के मंदिर में सिंगोल रखा जाए ये ठीक बात नहीं है। मैंने कहा कि सिंगोल प्रतीक है राजदंड का और संविधान प्रतीक है लोकतंत्र का। आरके चौधरी के बयान से सियासी तूफान आना तय था, लिहाजा जब इस मुद्दे पर सवाल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव से किया गया तो उन्होंने आरके चौधरी के बयान का नजरिया ही बदल दिया। मुझे लगता है कि हमारे सांसद इसलिए कह रहे होंगे कि जब पहली बार लगा था तो प्रधानमंत्री जी ने बाकायदा प्रणाम किया था, इस बार शपथ लेते समय शायद वो भूल गए, उसी को याद दिलाने के लिए लगता है मेरे पार्टी के सांसद ने कुछ इस तरह का पत्र लिखा है। आरके चौधरी साहब ने जो मांग की है वो सत्य है और ये लोग जो राजदंड वहाँ लगाए हुए हैं, अब ये देश राजदंड से नहीं चलेगा, ये लोकतंत्र से चलेगा। उधर सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर तीखा प्रहार किया। सीएम योगी ने ट्वीट में लिखा समाजवादी पार्टी ने कभी भी भारत के इतिहास और संस्कृति का सम्मान नहीं किया। SP के प्रमुख नेताओं की सेंगोल को लेकर की गई टिप्पणियां न केवल निंदनीय है बल्कि उनकी अज्ञानता को भी दर्शाती है। ये विशेषकर तमिल संस्कृति के प्रति इंडिया सहयोगियों की अज्ञानता को दर्शाता है। राजदंड भारत के गौरवशाली प्रतीकों में से एक है। सेंगोल पर छिड़ा ये नया संग्राम लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बात उत्तर दक्षिण की शुरू हो चुकी है।
बंटवारे और भेदभाव की हो रही है। जिस तरीके से ऐसे प्रतीकों को गलत दृष्टि में इतने दशकों से दिखाने का प्रयास किया गया, आज जब हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा उन्हें उचित सम्मान दिया जाता है, क्यों इन्हें इन सारी चीजों से एतराज होता है? क्यों नहीं भैया सकारात्मक राजनीति की सोच ये विपक्ष के नेता रख सकते हैं, एक साथ आगे बढ़ने का प्रयास करें, ना कि इस तरीके के विवादित बयान देकर बंटवारे की राजनीति करें। समाजवादी पार्टी भारतीय संस्कृति और भारतीय इतिहास पर हमला करने से कभी नहीं चूकती। पहले रामचरितमानस पर हमला, अब सेंगोल पर हमला। कहते हैं कि सेंगोल को पार्लियामेंट में नहीं होना चाहिए क्योंकि राजा का दंड है। भाई राजा का दंड था तो नेहरू जी ने क्यों स्वीकारा? और ये भारतीय संस्कृति तमिल संस्कृति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। क्या ये तमिलनाडु का अपमान नहीं है? क्या डीएमके इस अपमान को स्वीकारता है? ये वही मानसिकता है जिसने सेंगोल को कई वर्षों तक वॉकिंग स्टिक बनाकर रख दिया था। जाहिर है सेंगोल पर छिड़ी सियासी बहसबाजी अब और बढ़ने वाली है, क्योंकि सवाल उस प्रतीक को लेकर हुआ है जिसे न्याय और निष्पक्ष शासन का सिंबल माना जाता है, जिसके ऊपर भगवान शिव के वाहन नंदी महाराज विराजमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।